आपको सबको पता है कि सूचना के अधिकार का कानून कितनी बड़ी लड़ाई के बाद बना था। बहुत सारी लड़ाई चली, राजस्थान से शुरू हुई, पूरे देश में फैली, बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और उसके बाद इतनी जद्दोजहद के बाद एक कानून बना जिसमें जनता का हक माना गया और ये माना गया कि जनता ही इस देश की मालिक है और जो लोग, जो अफसर या जो मंत्री लोग फैसले लेते हैं सरकार के, वो सब जनता के नौकर हैं और इसलिए जनता को पूरा हक है ये जानने का कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जिससे कि उनकी जवाबदेही तय करी जा सके, राजनीतिक जवाबदेही भी, और अगर कुछ बेईमानी करते हैं तो उनके कानून के हिसाब से भी जवाबदेही। और इस जब ये कानून बना, एक अच्छी बात ये हुई कि उस समय एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी जिसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, अरुणा जी भी थी और अच्छे अच्छे लोग उसमें थे और उन्होंने इस कानून का ढांचा बनाया। ऑफकोर्स सरकार के सारे अधिकारी और मंत्री लोगों ने भी अपनी राय दी वगैरह वगैरह, वो ढांचा बनकर फिर पार्लियामेंट में पास हुआ और एक बहुत अच्छा कानून बना जिसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहले तो ये कि इसमें ये बोला गया कि जो भी सूचना सरकार के पास होती है आमतौर पर वो सूचना जनता को दी जानी चाहिए, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस उसमें कार्व आउट किए गए कि भाई अच्छा अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हो जिससे कि सरकार की सिक्योरिटी को खतरा हो या जिससे किसी के जिसको कहते हैं निजता के अधिकार पर कोई हनन हो रहा हो, तब फिर वो सूचना नहीं दी जाए कि बाकी सारी सूचना दी जानी चाहिए। और इसको तय करने के लिए स्वतंत्र आयोग बनाए गए राज्य के लेवल पर भी, केंद्र के लेवल पर भी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और क्योंकि सरकार की ही आप सूचना मांग रहे हैं और सरकार यह चाहती है कि कोई सूचना ना दी जाए, तो इसलिए ये तय किया गया कि इन सूचना के जो कमिश्नर्स हैं, जिनके सबसे पहले हमारे चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर वजाहत जी यहाँ बैठे हैं, कि इन लोगों को सरकार से स्वतंत्र रखने के लिए ये जरूरी है कि सरकार का इनके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी कंट्रोल ना हो, इनकी जो तनख्वाह है वो कानून में तय कर दी जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाह होगी उतनी ही मिलेगी, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के थे उनको हाईकोर्ट के जजों की तनख्वाह के बराबर, और उसमें ये भी कहा गया कि उनका एक फिक्स टेन्योर होगा 5 साल का या जितना भी, या जब तक वो 65 साल के होते हैं, और उससे पहले सरकार उनको हटा नहीं सकती। अब जो संशोधन लाया जा रहा है, जो सरकार, मौजूदा सरकार जो संशोधन ला रही है, देखिए इस कानून को में फेर बदल करने के कई बार प्रयत्न किए गए, पिछली सरकार ने भी किए, मौजूदा सरकार ने भी किए। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि भाई फाइल नोटिंग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि भाई फाइल नोटिंग, जो फाइल पर अक्सर लोग लिखते हैं अपनी नोटिंग लिखते हैं, कि वो बाहर आ सकती है कि नहीं। इस पर बहुत कोशिश करी, बार बार सरकारों ने कोशिश करी कि भाई इसको हटा दें सूचना के अधिकार में से, लेकिन नहीं हटा पाए क्योंकि जनता का इतना दबाव पड़ा कि वो नहीं हटा पाए। और फिर संसद में भी बहुत सारी पार्टियों ने उसका विरोध किया जनता के दबाव के कारण, तो नहीं कर पाए। अब ये लोग ये कह रहे हैं कि हम जो ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं जो आखिर में तय करते हैं कि कोई सूचना दी जानी है या नहीं दी जानी, अगर सरकार उसको अपोज कर रही है, तो संशोधन ये लाए हैं कि उनका टेन्योर कितना होगा, कितने साल के लिए नियुक्त करे जाएंगे, ये सरकार तय करेगी।
उनकी तनख्वाह कितनी होगी ये भी सरकार तय करेगी, यानी केंद्र सरकार तय करेगी। इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि इन लोगों को, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को, सरकार के तहत, सरकार के चंगुल में और सरकार के इन्फ्लुएंस में रहना पड़ेगा, और इसीलिए ये संशोधन लाया जा रहा है। देखिए, ये सरकार तो वो सरकार है जो आज की मौजूदा सरकार, जिसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सारे जो घोटाले हो रहे हैं बैंकों के, जिनके बारे में सूचना रिजर्व बैंक के पास है, ये सूचना आपको देनी पड़ेगी। सरकार ने बड़ा इसका अपोज किया उस समय, रिजर्व बैंक ने भी अपोज किया कि नहीं, हम ये नहीं दे सकते, इससे ये हो जाएगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी खतरे में आ जाएगी वगैरह वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ये आपको देनी पड़ेगी, जनता मालिक है इस देश की, और जनता को, जनता का पैसा है, जनता को पूरा हक है ये जानने का कि उनका पैसा बैंकों से जो गबन हुआ, किस तरह से हुआ, किसने गबन किया, सारी सूचना आपको बैंकों के बारे में देनी पड़ेगी। 10 फैसले एक साथ सुप्रीम कोर्ट ने किए, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक वो सूचना नहीं दी जा रही। एक के बाद एक हजारों हजारों करोड़ के घोटाले करके, बैंकों के घोटाले, बैंकों से पैसे लेकर नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नितिन संदेसरा, एक के बाद एक देश से फरार होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये सूचना जो रिजर्व बैंक के पास और सरकार के पास है ये नहीं दी जा रही। प्रधानमंत्री से पूछा गया, प्रधानमंत्री के कार्यालय से, कि भाई ये प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा करते हैं, ठीक है, 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ उन्होंने अपने विदेशी यात्राओं में खर्च कर दिया, कम से कम ये तो बताइए कि ये बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनको अपने ऑफिशियल हवाई जहाज में किस किस को बैठा कर ले गए, बैठा कर ले जाते हैं और बाहर जाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देते हैं विदेश में। इन सब, रफाल का कॉन्ट्रैक्ट भी इसी तरह से दिलवाया गया, अनिल अंबानी उनके साथ गया था। इसी तरह से अडानी को ऑस्ट्रेलिया अपने हवाई जहाज में बैठा कर ले गए और वहां पर स्टेट बैंक के चेयरमैन को भी बुला लिया, उनसे बोल दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कोई भी बैंक अडानी को लोन देने के लिए नहीं तैयार था, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक समझौता करवा लिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उस लोन को गारंटी करेगा। तो उनसे पूछा गया कि आप सरकारी पैसे पर हवाई जहाज में, पूरा हवाई जहाज ले जाते हैं, बड़ा सा जंबो जेट है, 300 लोगों की उसकी, 400 लोगों की कैपेसिटी है, सब पूरा विदेशी यात्रा रोज कर रहे हैं, और अपने हवाई जहाज में बड़े बड़े मोटे मोटे उद्योगपतियों को बैठाकर ले जाते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट बाहर दिलवाते हैं, ये बताइए कि किन किन को आप अपने हवाई जहाज में बैठाकर ले गए, वो भी सूचना देने से मना कर दिया। अभी पूछा गया कि, अभी हाल की बात है, उनसे पूछा गया कि ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, सरकारी कंपनियां, उनको जो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं, उन्होंने वो माइनिंग के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां, अडानी की कंपनियों वगैरह को सबलेट कर दिए, बोल दिया कि अच्छा कॉन्ट्रैक्ट तो हमें मिला है माइनिंग का, लेकिन हम आपको दे रहे हैं, जबकि उनको देने का कोई अधिकार नहीं है। बेईमानी से बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों को माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट सबलेट किए जा रहे हैं, उसके बारे में पूछा गया, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने बोला कि आपको यह सूचना देनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी नहीं दी जा रही कि भाई किन प्राइवेट निजी कंपनियों को ये खदाने सरकारी कंपनियों ने सबलेट कर दी, आगे दे दी। तो जाहिर है कि ये सरकार हर तरह का घोटाला, हर तरह की बेईमानी, रफाल के बारे में कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं बताएंगे, ये तो इसमें तो स्टेट सीक्रेट है, यानी कि आप सरकार का 60,000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, आप हवाई जहाज खरीद रहे हैं, आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि भाई आप इसमें आपने किस किस को ये दिए, इसके सब कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो अंबानी को दिए गए हैं, आप कुछ भी बताने के लिए नहीं तैयार।
तो जाहिर है कि ये सरकार जो है सूचना के अधिकार के कानून को खत्म करना चाहती है, उसका गला घोटना चाहती है, ताकि इस सरकार जो हमारा पैसा, और छोटा मोटा पैसा नहीं, लाखों करोड़ रुपया जनता का जो गबन किया जाना है और इनके दोस्त लोग लेकर देश से फरार होते चले जा रहे हैं, उसके बारे में किसी को पता न लग सके। और इस वजह से इसका गला घोटने के लिए, इस कानून का गला घोटने के लिए ये संशोधन लाए गए हैं। और जैसा कॉमरेड राजा ने बताया, इसकी सारी ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई है, ये लोग सब विरोध करेंगे और बोलेंगे कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें जब तक जनता का दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक जनता सड़कों पर नहीं आएगी और बोलेगी कि भाई ये हमारा कानून है और इसको अगर आप कमजोर करेंगे, इस तरह से कमजोर करेंगे, तब फिर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तब तक ये लोग बाज नहीं आएंगे। और इसलिए बहुत अच्छी शुरुआत आज हुई है, क्योंकि ये तो अभी दो दिन पहले पता लगा कि ये संशोधन ला रहे हैं, तुरंत अंजलि वगैरह ने आज मीटिंग बुलाई है और आज बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आज जो चिंगारी यहाँ से निकली है, ये पूरे देश में फैलेगी और पूरे देश में एक व्यापक आंदोलन इन संशोधनों के खिलाफ और आरटीआई के कानून को कमजोर करने के खिलाफ चलेगा। जय हिंद।